हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। हम लोग क्लास 11 के सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है। आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉपिक को। आज बारी है लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 3 हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे सबसे पहले आपको वो देखना है। तो देखने के लिए आपको एक काम और कर लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जितने भी वीडियो हमारे आते रहें, मैथ्स के ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चों के लिए बायो के, तो आप क्या करेंगे उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि आपके पास क्या आते रहे, वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना हम लोग मिल कहां पे रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो क्लास 11 का आज हम लोग ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है क्या? जैसे कि क्लास 10th तक हम लोगों ने 90 डिग्री तक के एंगल को लर्न कर रखा था, वो सबको आते भी होंगे। क्या 90 तक के ही एंगल होते हैं? नहीं, मान लीजिए 135 डिग्री की वैल्यू कोई पूछे, 225 की पूछे, 360 से ज्यादा की कोई वैल्यू पूछे, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो आज सब कुछ सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं लगनी चाहिए आपको, बिल्कुल बहुत इजी करेंगे इसको। वीडियो बाय वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो बस आपको देखते रहना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, जितने भी एंगल हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट को लेकर के। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है। तो सबसे पहले आप देखें, हम लोग क्वाड्रेंट लेंगे बेटा, क्वाड्रेंट को 3 टाइप से लेना है हमको। टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, C
सी से हमारे पास आ जाएगा कॉस एंड सेक। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें वो आपको ध्यान देनी, वो क्या है, जैसे सबसे पहली चीज 90 एंड 270 अगर आपको कहीं पे दिखेगा तो वो आपका चेंज हो जाएगा। 90 और 270 से अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज। और चेंज कैसे होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन आपका बेटा कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में। ये चीज है, मतलब साइन कॉस में चेंज होगा कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज होगा अगर कॉट है तो टैन में चेंज हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक है तो उस सेक में चेंज हो जाएगा। एक बात और, अगर आपको मान लीजिए 180 और 360 दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। 180 और 360 है तो चेंज नहीं। अच्छा इसको सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान क्या देना, ये एक चीज आप देखें, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान आपको ये तीन बातें देंगे। सबसे पहली बात चेंज और नो चेंज, मतलब चेंज होगा कि नहीं होगा पहली चीज। नंबर टू आप उसमें ये देखेंगे क्वाड्रेंट क्या है उसका, और थर्ड है साइन, इसमें साइन क्या यूज हो रहा है। बस आपको ये ध्यान देना कि साइन आप देखेंगे अगर तो इनिशियल को देख करके लगाएंगे, जो भी इनिशियल होगा और जो इनिशियल में लिखा हो, जैसे मान लीजिए साइन के बदलने के बाद कॉस आया तो आप कॉस को नहीं देखेंगे, जो इनिशियल था जो स्टार्टिंग में था यानी कि साइन स्टार्टिंग में, तो साइन को देख करके ही आपको साइन लगाना होगा। तो इतना देखने के बाद मैं एक दो क्वेश्चन यहां पे करता हूं, बाकी नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने लिखा ये कैच क्वेश्चन है, साइन 180 माइनस थीटा। तो जैसे बेटा आपने साइन 180 देखा तो 180 का मतलब क्या हो गया, चेंज और नो चेंज। तो हमें पता है कि 180 है तो नो चेंज, तो साइन थीटा तो लगा ही दो पहले ही। दूसरी बात क्वाड्रेंट क्या होगा इसका, मतलब ये 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट इसका होगा। तो अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो 180 माइनस थीटा किसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ गया इस जगह। जैसे लिखा हो बेटा tan 180 माइनस थीटा, जैसे ही आपने देखा 180 चेंज और नो चेंज, पहले ही आपको दिख गया कि नो चेंज, तो tan थीटा तो पहले ही लिख देना है आपको, ये तो आ गया tan थीटा। अब एक चीज ये समझो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव माइनस हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे मैं लिखूंगा एक एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा, 90 है चेंज और नो चेंज देखना है तो क्या हो जाएगा, चेंज। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा पहली बार। तो अब ये देखना है अपन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा हमारा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में जो साइन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस थीटा है। अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो कॉस को देख लेते हैं, कॉस में इसमें है नेगेटिव, लगा दिया नेगेटिव पर। क्या देखना है आपको, इनिशियल देखना है, जो भी इनिशियल रिजल्ट दिया है आप उसको फॉलो करेंगे, जो इनिशियल दिख रहा है आपको इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आई होप जितना भी मैंने चार्ट डिस्कस किया है ये शायद आपको समझ में आया होगा, इस चार्ट को लेकर के ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, बहुत सारा डिस्कशन करना है जितना भी है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करो, आपके पास 90 भी है, 180 है, 360 है, 270 है, जो आपको नियर अबाउट पड़े आप उसमें चेंज कर दो।
सबसे बेस्ट रहता है 180 और 360, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है तो आसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन 225 को साइन 180 प्लस 45। सबसे पहली बात 180 तो चेंज और नो चेंज तो साइन 45 तो आ ही जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा जाता है थर्ड में, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कर दिया, और 45 में वैल्यू आपको लर्न ही है, 1/√2 रिजल्ट आ गया माइनस दो। ठीक है, इसमें हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं, और जैसे किसी बच्चे से मैं पूछूं कॉस माइनस थीटा, ये माइनस थीटा को भी रोक देते हैं इसमें, और करते हैं कि हम लोग जैसे लिखा गया बेटा कॉस 135 डिग्री, इसमें हम क्या करें कॉस 180 माइनस 45, कॉस 180 माइनस 45। तो अगर 180 माइनस 45 आप कर रहे हैं तो आप इसमें क्या समझे, 180 तो चेंज और नो चेंज यानी कि माइनस का 45 आ जाएगा ये। अच्छा माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि जो कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू आपको पता है माइनस का 1/√2। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप निकाल लेंगे कोई भी रिजल्ट हो। अच्छा एक चीज और, एक बार होती पीरियोडिक फंक्शन, तो हम लोग फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पीरियोडिक होते हैं, जैसे साइन एक्स है कॉस एक्स के जो पीरियड होंगे वो 2π होते हैं, मतलब हर 2π वैल्यू के बाद रिपीट करते हैं, वही टैन एक्स और कॉट एक्स की बात करें तो उनका पीरियड पाई होता है, मतलब पाई वैल्यू के बाद रिपीट करते हैं। अच्छा पीरियड का मतलब ये होता है उतने इंटरवल के बाद अगर आप उसको हटा दें तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं। अच्छा मैं इसको आपको दूसरे सेंस में बताता हूँ, किसी दूसरे तरीके से, इसका दूसरा मेथड है मेरे पास, आप उसको समझें। जैसे एक क्वाड्रेंट तो था ही हमारे पास, आप इसको ऐसे समझें, जैसे अगर मैं कहूं बेटा कोई एक एंगल इस तरीके से बना हुआ है थीटा, और अगर मैं कहूं कि आपने कंप्लीट राउंड ले लिया इस तरीके से, और जो कंप्लीट एंगल है बेटा ये कितना होता है 360 डिग्री, और आप इसको कह सकते हैं 2π, 360 डिग्री या 2π। तो अगर आप 360 डिग्री या 2π के बाद गए तो फिर से उसी पोजिशन पे आ गए, यानी कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा अगर मैं 360 की बात करूं, आपने एक बार और कंप्लीट राउंड ले लिया इसको फिर से, या एक बार और कर लें, तो उससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता, मतलब आप किसी भी वैल्यू में 2π या 2π के मल्टीपल रिमूव कर सकते हैं, 2π 360 यू कैन रिमूव 360 और 2π एंड मल्टीपल ऑफ 360 एंड 2 और 2π। यानी कि अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ देखिए 360 लिखा है, यानी अगर मैं 360 यहाँ से हटा दूं तो माइनस थीटा भी हमारा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आएगा, तो जो हमारा माइनस थीटा वो भी कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसका मतलब यही तो हुआ कि कॉस माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec ही तो पॉजिटिव होगा, sec माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
sec theta, but other जितने जो होंगे वो negative हो जाएंगे। जैसे tan minus theta लिखा है तो हो जाएगा minus tan theta, sin minus theta लिखा है तो minus sin theta, cosec minus theta है अगर आपका तो हो जाएगा minus cosec theta, cot minus theta लिखा है माइनस कॉट थीटा। चलो आपने ये सीख लिया कि 2π 2π के मल्टीपल भी आप कहीं से भी हटा सकते हैं, और क्या सीखा कि जो माइनस थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदर वैल्यू क्या होगी निगेटिव। तो इन्हीं सबको लेकर के जैसे फर्स्ट स्लाइड है हमारी, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके बाद ये सेकेंड है, इन सबको लेकर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में हैं, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, टेन 25π/4। तो बड़ा सबसे पहली चीज, टेन का तो पीरियड पाई होता है तो आप पाई के हिसाब से हटा सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट मैंने बताया आप 2π के मल्टीपल सोचो, वो ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो इसमें सबसे पहली बात है 2π से तो ज्यादा ही है, अगर ये 2π से ज्यादा है तो आप 2π 4π 6π 8π 10π मतलब 2π के जितने भी मल्टीपल हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो पहले उसमें ब्रेक कर लेते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 6π + π/4, 6 × 4 = 24 + π = 25π/4। अब ये देखा जाए बेटा, ये 2π का मल्टीपल ही तो है, 2 × 3π + π/4। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है 2 × 3π, इसको तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं ना, यानी कि जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 10π/4। और tan pi by 4, pi मतलब रेडियन है, अगर आपको रेडियन और डिग्री में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक फर्स्ट लेक्चर जो हमारा उसको देखेंगे। tan pi by 4 मतलब होता है tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो देखिए हमने कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया, बस आपको ये ढूंढना है कि 2 pi के जो मल्टीपल है आप उनको कहीं से भी डायरेक्ट हटा सकते हैं। अब जैसे ये सेकंड है, sec 5π/3, sec 5π/3 को आप क्या करें, sec 2π - π/3, 3 × 6 - 1 5π/3 तो आएगा, 2π आप रिमूव कर सकते हो तो रिमूव कर दीजिए, sec -π/3, ये आ गया माइनस थीटा, और माइनस थीटा कहां लाई करता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सेक, ये भी ऐसे लिखा होगा, तो मैं साइड में लिख भी देता हूं कि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये आपका क्या आ जाएगा, सेक पाई बाय 3, सेक 60, और सेक 60 की जो वैल्यू है वो आती है बेटा 2। तो देखिए कितने सिंपल वे में हम लोगों ने इन आंसर्स को निकाल लिया है। तो चलिए इसी में और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन ये है, तो इसके बाद तो पहले ही उन्होंने लिख दिया नेगेटिव में, तो पहले नेगेटिव को शॉर्ट आउट करते हैं, cot ऑफ -7π/4। अच्छा अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पाई के 180 लिख लो, डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, वो भी इजी है आपके लिए। सबसे पहली चीज माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, फोर्थ में cot कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस तो आउटसाइड आ गया, माइनस कॉट 7π/4, माइनस कॉट 2π - π/4, क्योंकि 2π के मल्टीपल में अगर आप ब्रेक करो तो 2 × 4 = 8, 8 - 1 = 7π/4 ही तो आ जाएगा, और 2π हटाया जा सकता है, तो माइनस का कॉट
नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ऑफसाइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आपका हो जाएगा cot पाई बाई 4, और cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बात कर लेते हैं इसकी, sin माइनस थीटा के स्क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस तो आपका ये ऑप्शन आएगा, माइनस साइन 17 पाई बाई 3, माइनस साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 थ्री 18 और 18 माइनस 1 17 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, 2 और पाई 4 पाई 6 पाई मतलब 2 पाई जितने भी मल्टीपल है आप डायरेक्ट कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, तो 2 पाई आप हटा दें, तो साइन माइनस पाई बाई 3। अच्छा ये बेटा माइनस थीटा लिखा हुआ है, और माइनस थीटा आपके क्वाड्रेंट में है, माइनस थीटा होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक माइनस आपका और आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाई 2। देखिए हम लोग कितने इजी में इन वैल्यूज को निकाल गए, अब आपको कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दी जाए आप सब निकाल लेंगे, 90 तक की लर्निंग, उसके बाद का पार्ट मैंने आपको सिखा दिया, जितनी भी वैल्यू आप सब निकाल लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन ये है tan 1395 डिग्री, अच्छा यहां पे तो डिग्री में दिया था, अभी तक रेडियन में था तो वो आसान लग रहा था, डिग्री में यहां कैसे करें, तो डिग्री में आप कुछ इस तरीके से लिख लें, रिजल्ट 360, फिर डबल करेंगे तो 720, फिर 1080, फिर आ जाएगा आपका 1440, मतलब आप इन वैल्यूज को कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, जो tan वाला पोर्शन है, tan 1395 डिग्री इसके नियर अबाउट है, तो 1440 2 पाई का जो मल्टीपल है 360 का मल्टीपल है 4 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 4 into 360 माइनस 45। अच्छा बेटा 360 का जितना भी मल्टीपल है या 2 पाई का मल्टीपल है वो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये आपका हट जाएगा, tan माइनस 45 आ गया, माइनस थीटा के स्क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में टैन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आएगा आपका माइनस टैन 45 डिग्री, और टैन 45 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया आपका माइनस 1। बात कर लेते हैं इसकी, पहली बात तो माइनस लगा हुआ है, माइनस थीटा के स्क्वाड्रेंट में होता है फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आप पहली चीज तो ये लिख दो कॉस 2070 डिग्री। अब आ रही है इसके सॉल्व करने की, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा इसको देखो और मेरे ख्याल से आगे जाओगे आप, तो 360 का अगर 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 1800, ये 1800 के ही नियर अबाउट है, इसको क्या कर रहे हैं cos 5 into 360 1800 हो गया प्लस का 270 डिग्री, तो ये तो आपका रिमूव हो जाएगा, तो cos 270 डिग्री इसको सॉल्व करना हमारा काम है, तो cos 180 प्लस 90, तो 180 है तो चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो cos 90 तो आना ही आना पहले ही। अब देखो बेटा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है हमारा वो कैसा होगा, नेगेटिव, और वैसे भी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, जीरो आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको कुछ वैल्यू दी, इसमें क्वाड्रेंट का आपको ध्यान देना है बस, केवल उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अब इसमें हमसे कहा गया है कॉस एक्स की जो वैल्यू है माइनस 2/3 है, बट इसमें समझने वाली बात यह है कि जो एक रिजल्ट दिया गया है आपको कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में,
और थर्ड में टेन और कॉट आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस ये सब निगेटिव होते हैं, तो कॉस निगेटिव दिया इसलिए निगेटिव ही होना चाहिए था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ट्राइंगल बना करके, उस केस में साइड निगेटिव नहीं लेनी है, बस आपको ये याद रखना है कब वैल्यू निगेटिव रहे कब पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से अगर इसमें टैन आपसे पूछा जाए तो टैन का जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे मैं इसके लिए सॉल्व करूं ट्राइंगल बना करके सॉल्व करूं, देखिए ट्राइंगल इसकी बना करके कैसे सॉल्व होगा, ये एक ट्राइंगल बेस अपॉन हाइपोटेनस टू, आप साइन नहीं लेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 9 - 4 यानी क्या आ जाएगा हमारा √5। अगर मैं यहां बात करूं आपसे साइन एक्स निकालना है तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा √5 और हाइपोटेनस कितना है 3 और कॉस निगेटिव क्योंकि थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी कैसा होगा निगेटिव। अरे मैं कॉस टैन एक्स तो नहीं पूछा गया लेकिन मैं टैन एक्स निकाल देता हूं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए टैन एक्स तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5/2, लेकिन ये होगा कैसा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan x की थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको माइनस साइन नहीं देखना है, माइनस साइन आया उस एंगल की वजह से कि जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। अब ये क्वाड्रेंट क्या था थर्ड, तो थर्ड में cos x दिया गया -2/3, बच्चे सोचते हो -2/3 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो 10th तक था, अब हम लोग आ गए 11th में, तो जो क्वाड्रेंट मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में उसकी वजह से इसमें माइनस साइन दिया गया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ट्राइंगल जब आप फॉर्म करेंगे तो आप प्लस लेकर के ही उसको क्या करना है, फॉर्म करना है। एक क्वेश्चन और ही हमारे पास। अच्छा एक चीज और, ये लिखा हुआ है 3π/2 से ग्रेटर 2π से लेस, तो आप अगर इसको ध्यान से देखें 270 से ग्रेटर है 360 से लेस है, यानी कि ओवरऑल ये बात करना फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट की बात कर रहा है फोर्थ, तो पहले क्लियर हो गया कि फोर्थ में पॉजिटिव कौन होते हैं कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब जैसे इसमें लिखा है sec x की वैल्यू √2 है, अरे आप चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो लेकिन अब एंगल आपको टफ लगेगा, आप ट्रायंगल का ही यूज करें सबसे बेस्ट। तो जैसे यहां पे हमें tan cos और cot की वैल्यू की नीड है, तो ये कंफर्म होगा कि पहले तीनों की ही वैल्यू कैसी आनी, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके लिए ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं तो वो अच्छा लगेगा। बेटा ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 आपका। अब इसका समझना आपको ये tan x की नीड है, तो tan x होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन आपको निकालना है -1, वही 1 अपॉन 1 होगा लेकिन -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से। cot x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये भी आ जाएगी आपकी -1। बात कर लेते cos x की, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 1, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू तो √2 हमारी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, बट ये नेगेटिव में आएगा, क्यों, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमारी वैल्यूज तो आ गई है सारी, वैल्यूज को इसमें प्लॉट कर लेते हैं, पुट करेंगे, देखिए 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी -1 प्लस cos x की वैल्यू कितनी -√2 होल अपॉन 1 प्लस -1 माइनस -√2, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, -√2 अपॉन +√2, ये क्या आ जाएगा आपका -1, ये आपका आंसर हो गया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए ये सब एंगल पे बेस्ड थे, जितने भी क्वेश्चन आपने
किए। एक क्वेश्चन ये कि cos x - cot x की वैल्यू 1 / 3 / 2 है, तो आपको cos x फाइंड करना है और ये भी बताना है कि x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो क्लास 10th में आपको याद होगा कि अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, जैसे sec x + tan x है या cos x - cot x है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। तो पहले तो इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करें, cos x स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इनटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा वन। और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू 3/2 है, तो पुट कर लें कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू 3/2 इक्वल वन आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आपके पास आ गए कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 2/3, और इसके बाद कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू है ये आपके पास 3/2। एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ले देते हैं इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, इनको दोनों को ऐड करें। ऐड करने में हमारा cot x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा हमारा 2 cos x 3/2 + 2/3, 9 + 4 13/6। तो इस तरीके से जो हमारा cos x आएगा वो आ जाएगा हमारा 13/12, ये हमारे cos x की वैल्यू आ गई। अच्छा हमें तो वैल्यू निकालनी है cos x की, तो उसको भी देखते हैं आगे। तो पहले एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर लो एक बार, तो इक्वेशन हमारे पास cosec x प्लस cot x की वैल्यू है 2/3, cosec x माइनस cot x की वैल्यू कितनी 3/2। लास्ट टाइम ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 cot x 2/3 माइनस 3/2 माइनस का 5/6, 4 माइनस 9 हो जाएगा ना, तो माइनस 5 आएगा 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस 5/12। अच्छा एक बात आप ये बताएं बेटा, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉसेक पॉजिटिव हो और कॉट नेगेटिव हो? तो इसका मतलब तो यही होगा कि जो क्वाड्रेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड में ही तो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव, कॉट नेगेटिव है बट कॉसेक पॉजिटिव है, यानी किस बात की, ये आ गया कि एक्स जो लाई कर रहा है वो हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, या इसको बिलोंग ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया इसके लिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, तो आप कॉस निकाल सकते हैं। अच्छा इससे तो साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा तो कॉस भी आ जाएगा, आप चाहो दोनों को मल्टीप्लाई करा करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तो देखिए वहां से कॉस और कॉस साइन दोनों को डिवाइड कर दें, कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 5/12 अपॉन 13/12 माइनस का 5/13। अब इसको सॉल्व कैसे किया, कॉट को लिख दो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई माइनस 5/13। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जितना भी एंगल्स हम लोगों ने 90 तक के क्लास 10 में पढ़ा था, 90 के बाद का लेक्चर आज का था। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा मिलेगा वो डोमेनो रेंज पे होगा, क्लास 11 का ही रहेगा, डोमेनो रेंज हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने पढ़ा रखा है रिलेशन फंक्शन में, लेकिन इस बार जो डोमेनो रेंज होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का,
मतलब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। और अगर चैनल को आपको हम लोग को मोटिवेट करना है तो क्या करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन रेंज के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।